और सीधा आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं ये भी सुनवाते हैं आपको। या विवाहित महिला मन के महतारी बंधन योजना में साल के 12,000 रुपया देह के बात हो, ये सब कामला हमन पूरा करबो। महतारी बंधन योजना ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, मतलब मोदी की गारंटी में जो भी हमारे पार्टी के कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में, वो सारा गारंटी हमारी सरकार पूरा करने वाला है। क्योंकि समय बहुत ज्यादा होगी से, और हमारे राजमोहन जी के आप क्षेत्रवासी मन के तरफ से काफी मांग यहाँ आई से, लेकिन आप सबला मालूम है कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय स्थिति का है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बने के बाद में पहली बार समाज के बीच में आए हन, तो कुछ नहीं देहले भी ठीक नहीं हुई, कुछ न कुछ तो देके जाना पड़ी, और इसीलिए ऑडिटोरियम की यहाँ मांग हुई से, तो ऑडिटोरियम निर्माण के लिए मैं 50 लाख रुपया की घोषणा करत, और तालाब सौंदर्यीकरण के भी मांग हुई से, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपया की घोषणा करत। और आज के अवसर में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी से ये आशीर्वाद मांगत हन कि उनके आशीर्वाद मिले, हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो छत्तीसगढ़ के जनता के विश्वास है सरकार के प्रति, वो विश्वास में ये सरकार खरा उतरे, और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन करे हन हमारे पार्टी करी से, वो सब वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा कर सकी, यही परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप मल्ला फिर से एक बार हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात लांत करत हूं। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। सतनाम। और मैं प्रतीक चिन्ह के लिए प्रमादरणी। और बढ़ते आगे, भारत और अफगानिस्तान की टीम इंदौर पहुंच चुकी है, एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुई टीम। 14 जनवरी को T20 मैच खेला जाना है। दरअसल इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाले इस मैच को लेकर दोनों ही टीम्स इंदौर पहुंच चुकी हैं। होलकर स्टेडियम पर मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में जब अफगानिस्तान और टीम इंडिया आमने सामने होगी, वो मैच भी देखने लायक होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर पहुंच चुकी है दोनों ही क्रिकेट टीम्स, अफगानिस्तान और भारत। T20 मैच के लिए खिलाड़ी सभी पहुंचे हैं, जिसमें कि इंदौर अब तैयार है स्वागत के लिए, और खिलाड़ियों का वेलकम किया गया। और यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से होटल जाते हुए खिलाड़ियों की तस्वीरें। 14 जनवरी को मैच खेला जाना है होलकर स्टेडियम पर, जहां भारत और अफगानिस्तान की टीम पहुंच चुकी है इंदौर। एयरपोर्ट से होटल के लिए टीम्स रवाना हो चुकी हैं। 14 जनवरी को T20 मैच खेला जाना है, और इंदौर पूरी तरह से तैयार है, होलकर स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है T20 मैच के लिए।